नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का और आज होली का दिन है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जिस तरह हम लोग होली के दिन अलग अलग रंगों से खेलते हैं, ईश्वर करे आपका जीवन भी खुशियों के अलग अलग रंगों से सज जाए और महक जाए। दोस्तों, ये होली का त्यौहार हम होलिका दहन से शुरू करते हैं, तो आज इस वीडियो में होलिका दहन क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान थे, उस वक्त एक राक्षस राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह राक्षस पराक्रमी भी था और बहुत घमंडी भी था। क्यों वह पराक्रमी और घमंडी था? क्योंकि उसको ईश्वर से एक आशीर्वाद प्राप्त था। वह आशीर्वाद था कि ना वो दिन में मर सकता है, ना वो रात में मर सकता है, ना उसे कोई देवता मार सकते हैं, ना उसे कोई नर मार सकता है, ना वो कोई अस्त्र से मर सकता है, ना कोई शस्त्र से मर सकता है, ना वो घर के भीतर मर सकता है, ना वो घर के बाहर मर सकता है, ना वह दिन में मर सकता है, रात में मर सकता है। इसलिए वो इतना घमंडी था, साथ साथ में पराक्रमी भी था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और कहता था कि अगर कोई ईश्वर है इस धरती पर तो वो मैं हूँ, पूजा अगर किसी की करनी है तो मेरी करो, अगर ऐसा कोई नहीं करेगा और मेरे सिवाय अगर किसी दूसरे भगवान की पूजा करेगा तो उसकी इस दुनिया में जगह नहीं बचेगी, मैं उसको जीने नहीं दूंगा। उसी तरह से वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी कहता था कि तू अगर किसी की पूजा करेगा तो मेरी पूजा कर, क्योंकि अगर कोई ईश्वर है इस धरती में तो मैं हूँ। तुम देखते रहिए कि भगवान इंद्र भी मेरे डर से अपने इंद्रासन को छोड़ करके यहाँ वहाँ भाग जाता है। परंतु भक्त प्रहलाद तो श्री हरि विष्णु भगवान विष्णु का भक्त था। वो कहता था कि नहीं पिताजी, ऐसा हो नहीं सकता, विश्व का भगवान विश्व का गुरु केवल एक है, वो है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर श्री हरि विष्णु, उनसे महान उनसे बड़ा उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। पिताजी आप इतना घमंडी न बनो, उनकी शरण में जाओ, उनकी शरणागति ले लो, पूजा करो, तो आप सचमुच कोई इस पृथ्वी पर नहीं हरा सकता। लेकिन उसका जो पिताजी था हिरण्यकश्यप घमंडी था, वो कहता था तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रहते तुम दूसरे को भगवान समझोगे, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो वह अपने पुत्र को मारने का तरह तरह का उपाय ढूंढता है। कभी अपने सैनिकों से कहता है कि ले जाओ और पागल हाथी के सामने डाल दो, तो सैनिक उसके लिए जाते हैं, पागल हाथी के सामने डाल देते हैं, लेकिन प्रभु की माया ऐसी थी, भगवान विष्णु ने उन्हें बचा लिया। फिर पहाड़ के ऊपर से भी फेंक दिया गया प्रहलाद, लेकिन वहाँ भी भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। हार पार कर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, अब वो क्या करता? तब उसने होलिका अपनी बहन को बुलाया कि होलिका तुम आओ और इस बालक को मृत्यु के घाट उतारो। होलिका तुमको आशीर्वाद है ना कि तुम्हारे पास एक चद्दर है जिसको तुम ओढ़ के बैठोगे तो तुम जलोगे नहीं, इस बालक को ले जाओ और इसको आग में जला दो, मैं इसको अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। तो होलिका गई प्रहलाद को लेकर के और आग में बैठी, लेकिन जब आग में बैठी तो भक्त प्रहलाद को मानने वाले उसके लोग जो अच्छे विचारों के मानने वाले थे, जो उनको प्यार करते थे, वहाँ के लोग सब लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ बैठ गए और अग्निदेव को प्रज्वलित किया और अग्निदेव को प्रार्थना करने लगे कि अग्निदेव आज अपने भक्त की रक्षा करो, भक्त प्रहलाद को बचा लो, आज अगर भक्त प्रहलाद को कुछ हो जाएगा तो आप पर से सबका विश्वास उठ जाएगा, आज कहीं ऐसा ना हो कि बुराई अच्छाई पर जीत जाए। अग्निदेव बुराई का सर्वनाश करो और अच्छाई की रक्षा करो।
सब लोग मिलकर के भट प्रहलाद के लिए अपने देव से प्रार्थना करने लगे। ऐसा ही हुआ, होलिका बैठी थी भट प्रहलाद को आग में लेकर के, और कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि हवा चली और जो होलिका के कंधे पे जो शॉल था वो शॉल लुढ़क करके प्रहलाद के कंधे पर आ गया और होलिका आग में चल गई। तो ये तब से ये होलिका की जो प्रथा है वो शुरू हुई। यह खबर आग की तरफ फैल गया कि भक्त प्रहलाद बच गए, भगवान अग्निदेव ने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा की है और राक्षसी को जला डाला है। तो इसलिए तब से खुशी से लोग इस होलिका का दहन करते हैं। इसलिए हम जानते हैं ना, हम लोगों ने सुना है कि होलिका जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, यानी बुरे विचारों पर अच्छे विचारों की जीत का प्रतीक है। तब से हम ये होली मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों दर्शकों मेरी ये लगातार बने रहने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया, आभार है मेरा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।